नमस्ते दोस्तों, मोनी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए कद्दू यानी पम्पकिन की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। कद्दू की सब्ज़ी दो तरह से बनती है, एक है मीठी वाली और एक नमक वाली। तो आज मैं आपको मीठी वाली सब्ज़ी बना के दिखाती हूँ कि कद्दू की मीठी सब्ज़ी बहुत ही झटपट और जल्दी कैसे बन के तैयार होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कद्दू को हम काट के छिल के अच्छे से धो लेंगे और इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लेते हैं। लीजिए दोस्तों, मैंने सभी को छोटे छोटे पीस में काट कर तैयार कर लिया है। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं। कढ़ाई को गरम करें। कढ़ाई जब गरम हो जाए तो इसमें एक छोटा चम्मच तेल को डालें। तेल गरम होने पर इसमें 5 फ़ोरन, तेज़पत्ता और 2 लाल मिर्च। जब 5 फ़ोरन, तेज़पत्ता और लाल मिर्च अटक के हल्का सा कलर चेंज हुए तो इसमें जो पम्पकिन को हम लोगों ने काट के रखा है उसे इसमें डाल दें। अब इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार दें। अब इसे अच्छे से मिलाते हुए ढक के 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसे पकने दें। दस मिनट के बाद हम ढक्कन हटा के देखते हैं कि कद्दू का सारा पानी निकल गया है। अब इसे अच्छे से पहले मिला लें। मिलाने के बाद इसमें 100 ग्राम गुड़ को ऐड करें। गुड़ के बदले आप चीनी का भी यूज कर सकते हैं। इस पर जो कद्दू का पानी निकला है उसी पानी से गुड़ मेल्ट हो जाएगा। और अब इसे अच्छे से मिला के अब इसे ढक के मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हम देखते हैं ढक्कन हटा के कि गुड़ पूरा अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। अब इसे हमें ढकने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह चलाते हुए पकाना है। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कद्दू का सारा पानी ड्राई ना हो जाए। 10 मिनट पकाने के बाद हम देखते हैं कि कद्दू का सारा पानी ड्राई हो गया है और हमारा कद्दू का मीठा सब्जी बनके तैयार हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। लीजिए दोस्तों, हमारा कद्दू का मीठी सब्जी बनकर तैयार हो गया है। इसे आप गर्मा गर्म चावल दाल के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।